रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जल्द शुरू होगा किडनी ट्रांसप्लांट, टीम ने किया निरीक्षण। नमस्कार, मैं प्रभास पांडे, द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा में जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएगा। इसके लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का विशेषज्ञों के दल ने निरीक्षण किया। इस दल में 8 सदस्य थे, जिसमें श्याम स्याह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के 6 और जबलपुर के 2 विशेषज्ञों ने अस्पताल की तैयारियों का अवलोकन किया। ऐसे में यह माना जा रहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट जल्द प्रारंभ होगा। इस संबंध में चिकित्सकों की टीम के निरीक्षण के दौरान सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं। ऐसे माना जा रहा है कि जल्द ही अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है चिकित्सा महाविद्यालय के 8 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय में किडनी ट्रांसप्लांट हेतु उपकरण सामग्री एवं ICU समेत ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्थाओं को परखा गया। उक्त सभी उपयुक्त पाए गए हैं। निरीक्षण में सह प्राध्यापक यूरोलॉजी विभाग डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला व नेफ्रोलॉजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रोहन द्विवेदी प्रमुख रूप से शामिल हैं। बताया गया है कि जल्द ही ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट प्रारंभ हो जाने से सिंध के किडनी रोगियों को काफी सहूलियत होगी। अभी तक रोगियों को उपचार के लिए दूसरे शहरों का चक्कर लगाना पड़ता है, इससे उसके धन व समय दोनों की बर्बादी होती है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऐसी तैयारी की जा रही है कि अक्टूबर माह से यहां किडनी ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया जाए। इसके लिए स्टाफ को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित भी किया गया है। यूनिट को आवश्यक उपकरणों से लैस भी किया गया है। ऐसे में संभावना है कि अगले महीने से यहां पर किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे में किडनी रोगियों को काफी सहूलियत भी होगी। किडनी ट्रांसप्लांट इकाई का टीम द्वारा निरीक्षण किए जाने पर यहां पर्याप्त व्यवस्थाएं पाई गई हैं, जिस पर टीम ने संतुष्टि जाहिर की है। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहें खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।